कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। बीत जाए अपनी उमरिया, अब तो दरस दिखा दो मोरे कान्हा। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह को निहारूं। जय हो कन्हैया लाल की। ये लो बच्चों प्रसाद खाओ। माँ सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पेड़े, खीर, हलवा और लड्डुओं का भोग लगाते हैं, लेकिन आप तो उन्हें हमेशा चीनी का भोग लगाती हो। जरूरी नहीं कि हम भगवान श्री कृष्ण को हमेशा महंगी और अच्छी मिठाइयों का ही भोग लगाएं। भक्ति हमारे दिल में होनी चाहिए, ना कि दिखावे में। एक तरफ गरीब परिवार में पैसे न होने की वजह से गायत्री हर रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें मामूली चीनी का भोग लगाती थी। वहीं गायत्री के पड़ोस में रह रही कनिका का अमीर परिवार हर रोज धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। कनिका हर रोज घर के नौकरों से भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाती है। आज खीर में केसर बहुत कम लग रहा है और लड्डू भी सिर्फ दो ही तरह के बनाए हैं तुमने। अब मैं लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाऊंगी? जाओ जल्दी से बाकी की सारी मिठाइयाँ बनाकर लाओ और दोबारा से खीर बनाओ, और इस बार खीर में थोड़ी सी भी केसर की कमी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? वैसे कनिका बहू, इस बार जन्माष्टमी पर क्या नया करने का प्लान है तेरा? माँ जी, मैंने तो सोच रखा है कि इस बार जन्माष्टमी पर हम खुद का दही हांडी उत्सव आयोजित करवाएंगे और जीतने वाले को पूरी 1,00,000 का इनाम देंगे। वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। वैसे मैं इस बार सोच रही थी कि मैं जन्माष्टमी पर सोने और हीरे से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर आऊंगी और उन्हें सोने की पालकी में बिठाऊंगी। देखना कैसे हमारे आसपास के सभी पड़ोसी ये सब देखकर जल जाएंगे। अरे वाह माँ जी, आपका ये आइडिया तो मेरे आइडिया से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। यही मौका है अपने सभी पड़ोसी और रिश्तेदारों को जलाने का। जहाँ एक तरफ ये अमीर परिवार जन्माष्टमी पर दिखावा करने के लिए इतने सारे पैसे खर्च करके जन्माष्टमी की तैयारी कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ, तुझे पता है ना जय, अगले हफ्ते जन्माष्टमी है और इस घर में इस बार जन्माष्टमी के लिए कुछ भी नहीं है। हर साल हम यूं ही रूखी सूखी जन्माष्टमी मनाते हैं। हमारे बाल गोपाल का कितने सालों से यही एक पालना है जो बिल्कुल टूटने को हो रहा है। अगर तू शाम को कुछ पैसे ले आएगा तो हम बाल गोपाल के लिए एक नया पालना और उनके लिए कुछ नए कपड़े ले आएंगे। ठीक है माँ, मैं सेठ जी से कुछ पैसे ले आऊंगा। जय अपने सेठ से जन्माष्टमी मनाने के लिए थोड़े बहुत पैसे मांगता है, लेकिन सेठ उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। लगता है इस बार भी हमारी जन्माष्टमी यूं ही रूखी सूखी गुजरेगी। हर किसी के घर में जन्माष्टमी को लेकर कितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है और एक हमारे ही घर में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। माँ जी आप ऐसे उदास मत होइए, आप देखना हम जन्माष्टमी जरूर मनाएंगे, वो भी बिल्कुल अच्छे से। गायत्री की बात सुनकर गरीब परिवार के चेहरे की परेशानी थोड़ी कम तो होती है, लेकिन ये सभी जानते थे कि बिना पैसों के जन्माष्टमी मनाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब जन्माष्टमी को सिर्फ 4 दिन रह जाते हैं। ये कैसे फूलों से तुम मंदिर को सजा रहे हो? हटाओ ये गेंदे के फूल और जाकर गुलाब के फूल लेकर आओ। और ये क्या, अभी तो मंदिर में तुम लोगों ने लाइट भी नहीं लगाई। ये सभी तैयारी मैं इस साल की जन्माष्टमी के लिए करवा रही हूँ, अगले साल की जन्माष्टमी के लिए नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये क्या, तुम लोगों ने बस अभी तक 20 तरह की मिठाई तैयार करी है। मैंने पूरी 56 तरीके की मिठाई कही थी और नमकीन पकवान बनाने तो तुमने शुरू ही नहीं किए। अभी तक जन्माष्टमी के दिन तक सारी चीज समय से पूरी हो जानी चाहिए, समझे तुम लोग? जहाँ एक तरफ अमीर परिवार जन्माष्टमी की तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहा था, वहीं बेचारा ये गरीब परिवार चाह कर भी जन्माष्टमी की कोई तैयारी नहीं कर पा रहा था। माँ देखो ना, बाहर सभी लोग जन्माष्टमी की कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और एक हम हैं बस यूं ही बैठे हैं। क्या हम कोई तैयारी नहीं करेंगे? हमारे घर पर पकवान नहीं बनेंगे? पता नहीं बेटा, अब ये तो कन्हैया जी जाने इस साल भी हम लोग जन्माष्टमी मना पाएंगे या नहीं। कन्हैया लाल, अब तुम ही कोई अपना चमत्कार दिखाओ ताकि हम लोग भी इस साल तुम्हारे जन्मदिन को धूमधाम से मना सके। गायत्री भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है और ऐसे ही अब 2 दिन और गुजर जाते हैं और जन्माष्टमी के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे होते हैं। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूंगी तो इस साल अपने बाल गोपाल का जन्मदिन नहीं मना पाऊंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। गायत्री जन्माष्टमी की तैयारी के पैसों का इंतजाम करने के लिए आसपास की जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। कि तभी गायत्री रास्ते में देखती है कि जन्माष्टमी के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लोगों के द्वारा काफी सजाया जा रहा है, जिसे देख गायत्री उस मंदिर के पास जाती है और वहां पर काम मांगने की कोशिश करती है।
अगर कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। अरे काम तो है, तुम्हें इस मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करनी होगी, उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए का नाम सुन गायत्री काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद अब गायत्री उस बड़े से विशाल मंदिर को कई घंटे की मेहनत लगाकर अच्छे से साफ कर देती है, जिसके बदले गायत्री को 500 रुपए मिलते हैं। इन पैसों से खीर बनाने का सामान और मेरे बाल गोपाल के नए कपड़े तो आ ही जाएंगे। गायत्री उन पैसों से बाल गोपाल के कपड़े और भोग की खीर बनाने का सामान लेकर आती है। तभी गायत्री के अमीर घमंडी पड़ोसन कनिका गायत्री के घर पर आती है। ये क्या गायत्री, तुमने अभी तक जन्माष्टमी की तैयारी शुरू नहीं की और ये कैसे कपड़े लेकर आई हो तुम भगवान श्री कृष्ण के लिए? हमारे बाल गोपाल के कपड़े देखे तुमने, उस पर पूरा सोने और चांदी के तारों का काम हुआ है, पता है पूरे 40,000 लग गए उनके कपड़ों में ही। मुझे खुशी हुई कनिका कि तुमने इतने सुंदर बाल गोपाल के कपड़े बनवाए, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हम इतने अमीर नहीं हैं जो इतना सब कुछ कर सके। वो तो पैसों की बात होती है, अब कहाँ मेरी औकात और कहाँ तुम्हारी औकात। वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मेरे घर में जन्माष्टमी की काफी तैयारी हो रही है, कुछ लोग तैयारी के लिए कम पड़ रहे हैं, क्या तुम अगर जन्माष्टमी की तैयारी करवाने में मेरी नौकरों की मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं करूंगी, मुझे तो बस बाल गोपाल की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। गायत्री भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त होती है, इसलिए वो बिना किसी स्वार्थ के कनिका के घर पर जाती है और जन्माष्टमी की तैयारी में उसकी मदद करने लगती है। लेकिन कनिका वहाँ पर भी अपनी घमंडी हरकतें नहीं छोड़ती। गायत्री ये देखो, खास तौर पर ये साड़ी मैंने जन्माष्टमी के लिए ऑर्डर देकर बनवाई है, पता है पूरे 2 लाख की साड़ी है। सच में इंसान के पास पैसा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। गायत्री जानती थी कि वो कनिका सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रही है, इसलिए गायत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो बस बाल गोपाल के मंदिर को सजाने में ही लीन हो जाती है। कनिका के दोनों बच्चे माया और करण बिल्कुल उस पर ही गए थे, उसके चलते माया और करण भी बिट्टू और मुन्नी को अपनी अमीर माँ बाप के पैसों का घमंड दिखाने से बाज नहीं आते। ये देखो बिट्टू मुन्नी, जन्माष्टमी पर हमारे मम्मी पापा ने हमें कितने सुंदर कपड़े दिलाए हैं, हम तो कल इन्हीं पहनकर जन्माष्टमी मनाएंगे। ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, काश हमारे माँ बाबा भी हमें ऐसे ही कपड़े दिला पाते। इतने अच्छे और महंगे कपड़े खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो तो हमारे माँ बाबा अमीर है ना, इसलिए वो इतनी अच्छी और महंगी चीज खरीद सकते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा की तरह अब हमारे मम्मी पापा थोड़ी ना इतने गरीब हैं। माया और करण की बात सुन बिट्टू और मुन्नी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और ऐसे ही अब ये दिन भी गुजर जाता है और आज जन्माष्टमी का त्योहार होता है। गायत्री सुबह सुबह उठकर अपने परिवार के साथ नन्हे बाल गोपाल को अच्छे से स्नान करवाकर उनके लिए लाए हुए नए वस्त्रों ने पहनाती है और साथ ही चीनी और दूध की खीर बनाकर उन्हें भोग भी लगाती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार मिलकर भगवान श्री कृष्ण के गीत गाता है और उनकी अच्छे से पूजा करता है। हे मुरली मनोहर, मैं जानती हूँ कि आज सभी अमीर लोग बड़ी धूमधाम से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, लड्डू बर्फी और न जाने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयों का तुम्हें भोग लगाया जा रहा है, सोने की पालने में लोग तुम्हें झुला रहे हैं और मैं यहाँ दूध चीनी को खीर का भोग तुम्हें लगा रही हूँ। जानती हूँ कि मेरी हैसियत उन लोगों की जितनी नहीं है और मैं ना ही उनके जितना तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, पर मेरे और मेरे परिवार की भक्ति उनसे कम नहीं। मुरली मनोहर, हमारे साथ साथ हर किसी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जहाँ एक तरफ कम पैसों में भी ये गरीब परिवार हंसी खुशी जन्माष्टमी मना रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे वाह ये मिठाइयाँ कितनी स्वादिष्ट हैं, आज तो मैं ये सारी मिठाइयाँ खा जाऊंगा। कनिका ने जहाँ जन्माष्टमी के लिए सारी मिठाइयाँ बनवा कर रखी थी, वहाँ जाकर एक छोटा सा बच्चा उन मिठाइयों को खाने लगता है, जिसे देख कर कनिका, बच्चे कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसी हुई मिठाइयाँ खाने की? ये मैंने भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बनवाई है, ना कि तुम जैसा गरीब बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, उसे कन्हैया ने खाया था या मैंने, बात तो एक ही हुई, 4 फुट का हुआ है नहीं, और जुबान देखो कैसे चल रही है तेरी, अभी बताती हूँ तुझे। कनिका उस बच्चे का कान पकड़ती है और उसे खींचते हुए अपने घर के बाहर निकाल देती है, जिसके बाद अब वो बच्चा मुस्कुराता है और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण का रूप ले लेता है। वाह क्या दुनिया है, मेरे लिए ही ये सब कुछ बन रहा है और मुझे ही खाने नहीं दे रहे हैं। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। लोग चाहे अपनी असलियत एक दूसरे से कितना ही छुपा लें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से वो छुपाए नहीं छुपते। गायत्री और उसके परिवार की प्रार्थना सच्ची भक्ति भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं और उनके जीवन से सारे कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। लेकिन वहीं कनिका और उसके पूरे परिवार को अपनी झूठी भक्ति के दिखावे का फल मिलता है और कनिका के पति अनुराग का बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है
और अब देखते ही देखते वो पूरा अमीर परिवार अपनी करनी के चलते सड़क पर आ जाता है।